परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कह यू मान रहा मनमोद, यो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को सर पुरुष को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है सारी व्यवस्था, इनके हवाले कर रखे, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं, जैसे मिर्च का छोंक लगा जीव के बस का नहीं वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के रज पाउडर सब ठाट करने का व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतो गुण के प्रभाव से, फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही तमोगुण के कारण, हम आपस में लठ बजा दें एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं, तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए। 1,00,000 नित खाता है, 1,25,000 जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है, तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं, फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना काल लगे नहीं तेरा बाणा, जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा काल, तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा, इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है, रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा, तो सुबह भी चलती फिरती है काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे झटका लग जावे तो अक्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा, तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने, जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उलंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाही थी तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहाँ लंका के अंदर 9 लक्खा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़े है, वो बोली पूछते तो नू कह के इस बार मत जाइए ना त्रिब्रान मट्टी हो जाएगी गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया वही काम करके धर दिया, करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए, जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण।
तो पुण्यात्मा और रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सीसे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, या मौत निकट नहीं आ सकती आपके ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से, करतार कौन? कबीर सृजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। यू काल डरे करतार ते, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी जाड़ता, परमात्मा के जूते जाड़ता है, जाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपके आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, और जोरा है पनिहार या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नाला की और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में, तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता।